देखिए आज संजय हम यस्सू से है। आज जो ये रसवार्ता का जो आज हम लोगों ने यहाँ पर बुलाई है शेखपुरा, क्योंकि हमारे बारह हाल यस्सू मटन से भी लोग यहाँ पर सारे जितने भी पीएम पैकेज के लोग हैं सारे लोग आज एक ही जगह पे जमा हुए, क्योंकि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है और कश्मीरी पंडितों का जो वनवास है 25 साल हो गए हमारे इस वनवास को, अभी तक हमारा ये वनवास समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे हमारे संजय सफाया जी ने कह दिया, क्योंकि हम लोग की सिंगल डिमांड पहले दिन से, क्योंकि आज 38वां दिन है हमारे शहीद राहुल भट्ट का, और 38वें दिन के दिन भी आप यकीन नहीं मानोगे कि सरकार के कानून तक जू तक भी नहीं रेंग रही है। सरकार ने हमसे एक बार बात तो की है मगर वो बात कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। हमारी सिंगल डिमांड है, एक डिमांड हमारी पीएम पैकेज की, पूरे जितने भी 6000 कश्मीरी पंडित है एक ही डिमांड है कि हमें सेफर प्लेस पे लिया जाए, हमें रिलीफ कमिश्नरी जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारा नोडल अफसर है, जो हमारा कस्टोडियन है, उस पे अटैचमेंट किया जाए। जब तक आपके यहां पर हालात ठीक नहीं होते, और हालात की भी बात करूं गवर्नमेंट हर किसी एंगल से फेल हुई है कश्मीरी पंडित को। यहां पर पीएम पैकेज के तहत जो लाए गए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर, ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, इट इज ए प्योरली एम्प्लॉयमेंट पैकेज। मगर गवर्नमेंट के अगर आंकड़े देखे जाए, क्योंकि इट इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आप यकीन नहीं मानोगे 12 साल से ये 6000 कश्मीरी पंडितों के लिए यहां पर एक सफिशिएंट एंड कंक्रीट अकोमोडेशन नहीं बना पाई है। कश्मीरी पंडित जो आज आनंद फानंद में जो आज ऑर्डर देख रहे हो, ट्रांसफर ऑर्डर, आज ड्यूजन कैडर, आज प्रमोशन, आज सारे, ये हम 12 साल की डिमांड थी हमारी, मगर आज कल हमें इस डिमांड से कोई वास्ता ही नहीं। आज हमारी सिंगल डिमांड है, आज हम पूरे यस्सू हाल शेखपुरा बड़गाम अपना ये बारामूला कुपवाड़ा में सारे कश्मीरी पंडित 38 दिन से प्रोटेस्ट पे है, यानी हमारा स्ट्रगल बिल्कुल चल रहा है। और जम्मू में हमारे लोग, हमारे भाई बहन जम्मू में हमारे लोग सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, आज 6वां दिन है उनका, वहां पर रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में ही बैठे हुए। मगर गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ पर एलजी साहब आए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि वार्तालाप का एक दौर चालू रहेगा, मगर उन लोगों ने हमारे लिए दरवाजे बंद करके रखे हैं। एक वार्तालाप से कोई भी मसला हल नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग रिलोकेशन मांग रहे हैं, कम से कम वो 2 कदम चले, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। हम कहा वी डोंट बिलीव इन द डेडलॉक, हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं इसमें, ताकि सरकार भी इसमें सहमति, सरकार की भी सहमति हो और पूरे पीएम पैकेज की भी सहमति हो। अब कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, यह चेतावनी है इस सरकार को। 32 साल बहुत सहा हमने, अब हम और सहने के लिए यहां पर नहीं आए। हाँ, सरकार हमें रिलोकेट नहीं करती है तो हमें पता हमारा दूसरा रास्ता क्या है। हमें, हम सारे लोग मन मरा के रखे हैं कि हमें पता हम क्या करेंगे, फिर पूरे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को जवाब देते रहना। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज रिफ्यूजी डे पे हम लोगों को हमें संरक्षण नहीं दे पा रही है, तो फिर हमें मजबूरन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी वर्ल्ड डॉग्स है, सबसे हमें गुजारिश करना पड़ रहा है कि भैया हमें असलम दे, उसके बगैर हमें पास कोई चारा नहीं।
हम तो अभी भी गवर्नमेंट से हमें क्योंकि पूरा भरोसा है, जो चुनिंदी सरकार है उनसे पूरी यकीन यही है कि वो हम पे जो हमारी जो गुजारिश है, जो हमारा जो मोतबाना गुजारिश है, जो हमारी रिक्वेस्ट है, उस पर एक बार और सोचे। बाकी कश्मीरी पंडित, अगर आज की सरकार कहती है कि कश्मीरी पंडित का रिलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये गलत धारणा है। कश्मीरी पंडित हम कहते हैं जब ये 2008 में ये पैकेज आई है, इस पैकेज में इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको रिलुक करने की जरूरत है। हम तो कहते हैं कि 412 जिस एसआरओ के तहत हम लाए गए उसको एमिट करने की जरूरत है, क्योंकि जो तत्व डाला गया इसमें, जो चीजें इसमें डाली गई, उनको 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 कहीं ना कहीं अमेंडमेंट जरूरी है। अगर कुछ पिछले सरकारों ने कुछ गलतियां की है तो इस सरकार के लिए तो अच्छा मौका है, वो अपनी गलतियां सुधारे और उनकी भी गलतियां, जिन्होंने गलतियां की है पिछले सरकार ने, वो भी गलतियां सुधारे। और मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें अटैच किया जाए रिलीफ कमिश्नरी के साथ, जब तक आप लोग यहाँ पर हालात ठीक नहीं करते हो। और इसके में सरकार भी, सरकार की भी वाहवाही उसी में होगी और कश्मीरी पंडितों की भी वाहवाही उसी में होगी। और सबसे बड़ी बात है, सर्व समिति के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों का एक ही मत है, चाहे हम जम्मू में, और दो चार दिनों में शायद हम लोगों का प्रदर्शन आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा जंतर मंतर पे, हम लोग वी आर प्लानिंग फॉर दैट। तो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। अगर सरकार आज भी नहीं मानी तो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कश्मीर हम तब तक ये छोड़ेंगे नहीं जब तक अपनी रिलोकेशन नहीं लेंगे, ये हमारा वादा है। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।